हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता सुजलेका फूड कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बहुत ही आसान तरीके से हेल्दी मसाला खस्ता पूड़ी बनाकर तैयार करेंगे, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसमें हम डालेंगे आधा कप सूजी। आप कोई भी कटोरी या गिलास ले सकते हैं मेजरमेंट के लिए। अब आधा कप सूजी लिया था तो एक कप हम पानी ले रहे हैं। ये एकदम गर्म पानी होना चाहिए, अच्छा गर्म होना चाहिए। इसे हम डाल देंगे, अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। 15 मिनट हो गए हैं, हमारा सूजी भी अच्छे से फूल गया है। आप देख सकते हैं इसने पूरे पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। इसे थोड़ा मसल लेंगे इस तरह से चम्मच से। अब हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच अजवाइन, थोड़ा सा मसल लेंगे। इससे अच्छा फ्लेवर भी आएगा और डाइजेशन के लिए अच्छा होता है ये। एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई छोटा चम्मच हल्दी, एक छोटा चम्मच कसूरी मेथी। आप यहाँ पे धनिया पत्ता भी बारीक काट के डाल सकते हैं। पूरी को हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा कप बेसन और एक कप गेहूँ का आटा, एक बड़ा चम्मच घी, आप यहाँ पे ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्वाद अनुसार नमक, सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए मैंने इसे गूथ लिया है, मैं इसमें पानी नहीं डाली हूँ। बिना पानी के ही इतना अच्छा डो बनकर तैयार हो गया है। हमने जो मेजरमेंट लिया है उससे ये परफेक्ट है, डो बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको थोड़ा ड्राई लगे इसे गूथने में, तब 1 से 2 चम्मच आप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। सेमी सॉफ्ट डो होना चाहिए, आप देख सकते हैं। हाथों में थोड़ा सा घी लगा लेंगे और इसे एक छोटा सा बॉल तोड़ेंगे और इसे इस तरह से गोल करते हुए हम इस तरह से पूरी के जैसा शेप दे देंगे। आप चाहे तो बेल के भी पूरी का शेप दे सकते हैं, मैं हाथों से कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा पतला ना करें और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा, आप देख सकते हैं इस टाइप का होना चाहिए शेप। अब इसे हम इस तरह प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरह छोटे छोटे गोले बना के हम सारी पूरी को इस तरह से बना लेंगे। हमने सारी पूड़ियों को इस तरह से प्लेट में बना के रख लिया है, अब इसे हम तल लेंगे। मैं यहाँ एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दी हूँ, तेल मीडियम गर्म होना चाहिए। अब इसमें हम पूड़ियों को डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे तलना है। फिर हम इसे पलट लेंगे, हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से तल लेना है। अब हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। ये देखिए इसी तरीके से हम सारी पूड़ियों को तल लेंगे। ये देखिए हमने सारी पूड़ियों को इस तरह से तल लिया है। इतने सामान से करीब 17 से 18 पूड़ियाँ बनकर तैयार हो जाती है। आप इसे चाय के साथ, ब्रेकफास्ट में, बच्चों के टिफ़िन में या फिर सफ़र में भी लेके जा सकते हैं। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही हेल्दी है। आप इसे एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिए। गर्मा गर्म मसाला पूड़ी को आप ऐसे भी खा सकते हैं या फिर दही, अचार, चटनी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।